हम संस्कार देते कैसे हैं, यह स्पष्ट पहले शुरू होता है। एक प्रवचन हो रहा था आदिश्री का, एक बाप एक बुढ़ा पर कहा कि बेटा हम जा रहे हैं कथा सुनने का। कहा आप सुनने जा रहे हो, चलिए मैं कल ऐसे पढ़कर आया हूं, अभी प्रश्न करता हूं कि चुप लगा जाएगी। चलो बड़ा खुश हुआ बेटा चला था। वह खड़ा होकर कहा कि हम हाथ उठाए कि हम कुछ प्रश्न पूछता जा रहे हैं, पूछो कुछ कुछ जानते हो प्रश्न। अक्सर लोग जानते हैं कौन करते हैं, जो वह जानते रहते हैं वक्ता को चुप कराने के लिए, अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, हम जो है श्रेष्ठ हैं तुमसे, आई एम सीनियर सुपीरियर देन यू। अभी हम क्लास ले रहे थे कहां बनारस, एक आदमी प्रश्न कर रहा था ना आजा, कहा कि हम चारों प्रश्न करते आ रहे हैं। हम बाद में हम जब क्लास में बैठे गए, एक काम करो रिटायर्ड अधिकारी, हमने एक काम करो इस प्रश्न को सदैव लिख करके अपने गर्दन में लगा कर घुमा करो। कहा कई कहा तुम्हारा उम्र बढ़ेगा कि इस प्रश्न को उत्तर कोई नहीं दिया, तुम ही जानते हो, इसलिए प्रश्न जब जाएगा तो श्मशान में तुम्हारे साथ ही फूंक दिया जाएगा कि हाँ ये प्रश्न का उत्तर तुम ही जानते हो, इसलिए कोई उत्तर देने का ठेका लिया है तुम तो देखो ऐसा। वह लड़का भी पूछा कि वह दे रही थी कि शाकाहारी भोजन करना चाहिए, तो वह लड़का पूछा कि महात्मा जी कहाँ खजूर खाना चाहिए कि नहीं। खजूर आग खाना तो चाहिए, खजूर के साथ पानी पीना चाहिए कि नहीं, पी लेना चाहिए। खजूर के साथ पानी के साथ खमीर खा ले तब क्या होगा, अच्छा है। अच्छा खजूर पानी खमीर शराब हो गया ना। लड़का तर्कशील है ना, पढ़ा लिखा, यही ना विद्या हम लोग दिए हैं, मैकली शिक्षा, बड़ा तर्कशील है दिया। लेकिन वह नहीं जानता था, वह कथावाचक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी थी इसलिए हाँ ना जी क्या उत्तर दिया। कहा उत्तर हाँ बच्चा तू बात ठीक रहे, लेकिन रुको तुम पर यदि धूल हम फेंके हैं, कोई फेंक दिया चोट लगेगा। कहा कि नहीं, धूल के साथ यदि पानी फेंक देता चोट लगेगा। कहा कि नहीं, और धूल के साथ पानी के साथ थोड़ा ईटा पत्थर भी फेंके तब, कहा कि हमारा हमारा सर फूट जाएगा अच्छा सर फूट जाएगा। कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, वहां तक हाँ मिल गया, बैठ गया। देखो हम लोग जो है इसी तरह तर्क का सहारा लेते हैं, खजूर तो शाकाहार ना है ना, पानी भी तो ठीक ही है, खमीर भी ठीक, तो आप क्यों मना कर रहे हैं सर आप नहीं पीना चाहते, ऐसा ऐसा तर्क करते हैं। यह तर्क है कि कुतर्क है, तो हम लोग यह करके बचते हैं बच्चों से। हम भी माँ बाप भी सोचता कि हाँ हमारे बच्चा तो बड़ा तेज हो गया, बहुत सा तर्क कर चुप करा दिया। देखो इसे कुछ मिलने ना, संस्कार ही इनकार है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, यह पहले ही श्री गुरु से शुरू होता है। तो हम कह रहे थे तमिल तैलंग स्वामी की मां मर गई, पिताजी पहले ही मर गए थे, 14 साल 15 साल के हो गए, तो वे वैराग्य जब ले लिया, 15 साल में वैराग्य लेता है, इसलिए वह श्मशान घाट में चले गए, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, शिव जी को गुरु मान लिए। देखो तुम लोग शिव गुरु बहुत मानते हो शिव गुरु को, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, न किसी पर कटाक्ष कर रहे हैं। हम जब साधना करते हैं तीन तरह से कसौटी कसनी चाहिए, गुरु कह रहा है एक, दूसरा शास्त्र क्या कह रहा है दो, तीसरा तुम्हारा अनुभव क्या हो रहा है तीन। यदि तीनों मिल जाता है तब तुम जानो कि हम जिस पथ पर जा रहे हैं ठीक है, अन्यथा वह पथ गलत। जैसे हम टाइट्रेशन साल्ट एनालिसिस करते हैं, एक डालता है बूंद बूंद पानी, जब बूंद बूंद डालते हैं और कलर चेंज हो जाता है जिस बूंद पर, हम रुक जाते हैं और तब हम कन्फर्म करते हैं दैट इज कन्फर्म एलिमेंट, यह एलिमेंट कन्फर्म हो गया, करता है ना। इसी तरह शास्त्र हमारा कसौटी दिया है, वेद कसौटी दिया है, तुम कर क्या रहे हो, अंधेरे पर खाली लाठी चला रहे हो, हवा में ढेला चला रहे हो,
कन्फर्म हो जाओ जो गुरु कर रहा है, तुम साधना करो, अनुभव, और तीसरा शास्त्र, तीनों को मिलाओ। कहीं अंतर हुआ तो तुम बंडमरू की तरह घूमते रहेगा।